गुड इवनिंग। तो आज हम लोग यूनिट 3 का लेक्चर 7 करने वाले हैं और आज का जो लेक्चर है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये जो है आज का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट 3 का लेक्चर 7, ठीक है। तो सबसे पहले लेक्चर 6 का बात करते हैं, यानी इससे पहले वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें क्या पढ़े थे उस चीज को देखते हैं। तो याद करो उस लेक्चर में हम लोग किए थे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, याद करो क्या, मैग्नेटिक फोर्स। क्या पढ़े थे? मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या था जरा समझिए ध्यान से। याद करो कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल किस में मूव कर रहा था बताइए, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो उस पे जो फोर्स लगा था उस फोर्स को हम बोले थे मैग्नेटिक फोर्स। और जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था याद कीजिए क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा। क्या था? क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स था ये किस पर था? मूविंग चार्ज पार्टिकल पर। तो आज भी हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ही पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या रहेगा? करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर पर आखिर कितना फोर्स लगता है। जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या ले रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए हम लोग का हेडिंग क्या है आज का। तो हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स निकालने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा हेडिंग, तो हम लोग का हेडिंग है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम लोग का हेडिंग क्या है जरा समझिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स निकालने वाले हैं। तो देखो बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेना होगा। तो मान लो बाबू ये क्या है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देख रहा है ये जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना है वो बी वेक्टर, कितना है बी वेक्टर, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिए कितना बी वेक्टर। और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, और इस कंडक्टर का लेंथ कितना है एल, ठीक है। यानी कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई और लेंथ कितना एल, तो ये कहां पर रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले? फोर्स। तो जरा ध्यान से देखिएगा, तो फोर्स तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पर लगने वाला फोर्स का हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डायरेक्शन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इस पर लगने वाला फोर्स, है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए, तो फोर्स का डायरेक्शन जो इस पर निकालते हैं वो निकालते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। किससे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यानी अगर हमको इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो इसके लिए हमको क्या जानना होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो याद रखिएगा इसमें बायां हाथ का यूज करेंगे। किसका? बायां हाथ का। तो हम लोग यहाँ क्या क्या चीजें जरा समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले बाएं हाथ को कैसे प्लेस करना उसी को समझो। ये जो दोनों फिंगर है लास्ट वाला ऐसे मुड़ा रहना चाहिए, और ये तीनों फिंगर जो है पहले वाला ये इस तरह करके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। थंब ऐसे, ये इधर और ये इधर, क्लियर है। अब देखो इस पर अगर हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकलेगा समझो। तो सबसे पहले दिमाग में सेट कर लो, ये जो फिंगर है ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड का। ये जो फिंगर है ये आपको बताएगा करंट का डायरेक्शन। किसका? करंट का। ये बताएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, क्लियर है। तो याद रखिएगा यहां पर ये जो है आपका क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये क्या बताएगा, करंट का डायरेक्शन, और ये क्या बताएगा आपका, फोर्स का डायरेक्शन। तो अगर इस कंडक्टर पर लगने वाला हमको फोर्स निकालना है
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस कंडक्टर पर लगने वाला हमको क्या निकालना, फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा समझो, तो सबसे पहले इस फिंगर को, ये जो बीच वाला फिंगर है, इसको हमको करना होगा मैग्नेटिक फील्ड की ओर, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में इसको प्लेस करेंगे। फिर इसको जो है हम लोग करंट के डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, किसके डायरेक्शन में, करंट के। तो याद रखिए ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और इसको करंट के डायरेक्शन में, जैसे ही इसको हम क्या करेंगे प्लेस कर देंगे तो अपने आप ये फोर्स बता देगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले किसको सेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। तो बोलो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, क्रॉस मतलब क्या, अंदर की ओर, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो जरा ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ऐसे अंदर कर दिए इस तरह करके मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो करंट इधर चल रहा हो, करंट किधर चल रहा है, इधर, तो इसको उधर होना चाहिए, घुमा, ठीक है। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, तो फोर्स किधर, इधर, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग का, वो इस डायरेक्शन में निकला, इस पर फोर्स, यानी इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स निकला इस डायरेक्शन में। जिसको नहीं समझ में आया एक बार और क्लियर कर देते हैं, ध्यान समझना। तो हम लोग इस पर लगने वाले जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हम लोग निकालते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। और यहां कैसे निकालते हैं समझिए, तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड है ये सबसे पहले बताएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये बताएगा करंट का डायरेक्शन और ये फोर्स का। तो सबसे पहले हम लोग सेट किसको करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को, फिर किसको, फोर्स, सॉरी करंट को, और फोर्स अपने आप निकल जाएगा। तो ध्यान से देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, क्रॉस मतलब अंदर, ऐसे किए, करंट इधर था ऐसे घुमा दिए, और फोर्स किधर, इधर, तो इस पर फोर्स लग रहा है इस तरह करके, समझ में आ गया। तो यहां पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो खैर ये तो डायग्राम हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, फोर्स भी बता दिए, लेकिन अब वैल्यू बताएंगे, ये जो फोर्स लग रहा आखिर कितना लगेगा उस वैल्यू को हम लोग जानेंगे। तो चलो ध्यान से देखो, नाउ एज वी नो क्या मैग्नेटिक फोर्स, क्या बोल रहा है समझिए, नाउ एज वी नो यानी जैसे कि हम जानते हैं क्या मैग्नेटिक फोर्स। तो याद करो मैग्नेटिक फोर्स यानी एफ एम इक्वल टू, अगर याद होगा तो इसका फॉर्मूला था क्या, क्यू वी बी साइन थीटा, कितना था वो, क्यू वी बी साइन थीटा, क्लियर है। अब जरा समझना, बट ये जो वी है, वी यानी क्या, इसको स्पीड भी बोल सकते हैं या वेलोसिटी, ठीक है। तो क्लास 11 में आप पढ़े होंगे वी इक्वल टू एस बाय टी, याद करो क्लास 11 में पढ़ा v इक्वल टू एस बाय टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी एक प्रकार से क्या, लेंथ, समझो। जैसे अगर हम पूछ दें कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक का लेंथ निकाल लेना, जो लेंथ है वही तो कहलाता है डिस्टेंस, क्लियर है। तो इसीलिए क्या इस एस के जगह हम एल नहीं लिख सकते, लिखा जा सकता है कि नहीं, बाय टाइम टी। तो याद रखिएगा यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, एल है, बाय टाइम कितना, टी मान लीजिए, यानी वी इक्वल टू हो गया एल बाय टी, क्लियर है, एल अपॉन टी। अब देखो आगे, देयरफॉर समझना एफ एम यानी कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या है, क्यू इंटू वी, वी के जगह क्या रखेंगे बोलो बाबू, एल अपॉन टी इंटू वी इंटू साइन थीटा, क्लियर है। तो जरा ध्यान से देखिए एफ एम यानी कि मैग्नेटिक फोर्स, इसको अगर इधर ले लें तो क्या हो जाएगा बोलो बाबू, समझना फिर से, एफ एम के जगह एफ एम लिखे इक्वल क्यू, और वी के जगह कितना रख दिया, एल बाय टी इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये हो गया। अब समझो क्या कर रहे हैं, तो बोलो क्या इस टी को यहां से उठा के यहां किया जा सकता है कि नहीं, तब बोलेगा हाँ किया जा सकता है, चलिए वही करते हैं। तो इस टी को इसको यहां ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी इंटू क्या, एल बी साइन थीटा, क्लियर। अब जरा समझना कुछ चीज याद करवा रहे हैं, क्यू अपॉन टी, क्यू मतलब क्या, चार्ज, और ये क्या, टाइम। तो चार्ज अपॉन टाइम, याद करो यूनिट टू, चार्ज बाय टाइम को हम क्या बोलते थे, करंट, जिसको किससे डिनोट करते हैं, आई से, किससे, आई से। देयरफॉर बोलो मैग्नेटिक फोर्स, बोलो क्यू बाय टी है, क्यू बाय टी के जगह क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एल इंटू बी इंटू क्या, साइन थीटा। तो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला निकला,
एफ एम इक्वल टू क्या, आई एल बी साइन थीटा, कितना निकला, आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इस पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू। तो याद रखिएगा, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उसमें करंट आई फ्लो रहा हो, लेंथ एल है और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखेंगे, तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो कितना होगा, आई एल बी साइन थीटा। आई क्या हो गया, कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा, थीटा किसके बीच, ये कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, क्लियर है। तो देखो, तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, लेकिन हम बोले थे इसका डायरेक्शन किससे देते हैं, बोलो, तो बोले बताए थे क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, याद करो इसका जो डायरेक्शन निकालते हैं किससे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, आप इसको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप नोट करना चाहें यहां से, यहां से भी कर सकते हैं, वैसे नोट्स आपको मिल ही जाएगा थोड़ा देर में। तो क्या कीजिए, इसको आप, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम मिटाते हैं, अब यहां पर आगे चलते हैं। तो अब जो है हम लोग यहां क्या निकालने वाले, डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन तो निकाल ही चुके थे, लेकिन कैसे निकालते हैं वो चीज का डायग्राम बनाएंगे। डायरेक्शन तो हम क्या बोले, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोल रहे हैं, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी इसका डायरेक्शन किससे देते हैं हम लोग, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। और लेफ्ट हैंड रूल याद करो, ये जो आपका बायां हाथ है, यही क्या है, लेफ्ट हैंड। तो इसी हैंड को यहां पर ऐसे इस तरह करके हम दिखाएंगे, इस तरह करके बनाएंगे, ठीक है। तो देखो कितना आसानी से बनता है। तुरंत हो जाएगा, देखना बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो ये हाथ बन गया हमारा इस तरह करके, ये आपका थंब हो गया, ये बीच वाला और ये इधर वाला फिंगर हो गया, क्लियर है। तो ये जो आपका डायग्राम बन गया, ये किसका है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। तो याद रखिएगा, ये जो बीच वाला है, ये वाला, ये हमेशा किसको बताएगा, बी वेक्टर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो है आपका, ये किसको डिनोट करेगा, करंट को, किसको, करंट को। ये जो थंब है आपका, ये किसका डिनोट करेगा वालो बाबू, मैग्नेटिक फोर्स को, किसको, मैग्नेटिक फोर्स को। तो याद रखिए, ये हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसका डायग्राम भी बना दिए। तो कैसे बना आप देख ही लिए, बहुत ही आसान तरीका से बनता है। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और आराम से कॉपी में बना लीजिएगा। वैसे नोट्स में सब कुछ बना हुआ रहेगा, लेकिन फिर भी जो नोट्स देते हैं उसको कॉपी में नोट करते चलिए, लेक्चर वाइज, ठीक है। जैसे ये लेक्चर हुआ, इसके बाद जो होगा, ठीक है, वो सारा लेक्चर का आप नोट करके चलिए कॉपी में, समझ में आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब इसका आगे बढ़े, तो ध्यान से देखो,
तो समझिए जरा ध्यान से। तो ये हम लोग यूनिट 3 का लेक्चर 7 कर रहे हैं और हम लोग फर्स्ट क्या पढ़े, तो हम लोग पढ़े यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेस्ड करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसके बाद का हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या ले रहे हैं, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं। तो हेडिंग जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स, क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी हम दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे और उसके बीच हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, कुछ भी दब नहीं रहता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे। तो इमेजिन करो ये एक कंडक्टर है और ये एक दूसरा कंडक्टर है, ठीक है, दोनों पैरेलल है। और यहां पर लेंथ का जिक्र नहीं किया है, तो मान लो ये क्या है, इंफिनिटी लेंथ का है, इस तरह डॉट 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 ऐसे, ठीक है। दो इनफिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लो I1 हो रहा है, इस कंडक्टर में कितना फ्लो हो रहा है, I2 हो रहा है, क्लियर है। इसमें I1, इसमें I2, और दोनों के बीच जो फोर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बाबू कितना है, a, दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, a। और इस कंडक्टर का जो नाम रखे हैं, इसको नाम रखे हैं 1 और ये 2, यानी ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर। अब जरा समझो ध्यान से, जो समझा रहा है। तो ये दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट चल रहा है I1, इसमें I2, दोनों के बीच का डिस्टेंस a है, इसका नाम रखे हैं 1, इसका नाम रखे हैं 2। तो इस दोनों के बीच लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, तो जरा समझो यहां पर कैसे फोर्स लगता है इस दोनों के बीच, उस चीज को सबसे पहले समझते हैं। इस लॉजिक को क्लियर कर लीजिएगा तो बहुत ही आसानी समझ जाइएगा। तो जरा ध्यान से देखो, याद करो, अभी जो ठीक इससे पहले टॉपिक पढ़े थे उसमें क्या था, तो उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर था, तो उस पर हम मैग्नेटिक फोर्स निकाले थे और उसका फोर्स का वैल्यू निकला था ILB sin थीटा। क्या निकला था, ILB sin थीटा निकला था। तो बोलो होता क्या है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या बोले फिर समझना, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो तुम बोलोगे कि सर यहां पर तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं रखे हैं, सॉरी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखे, तो यहां कैसे फोर्स लगेगा। तो यहां पर भी लगेगा, कैसे लगेगा वो चीज को थोड़ा देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले बताओ, याद करो और स्टेट का एक्सपेरिमेंट, इसका फर्स्ट लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में ये चीज क्लियर हो गया था कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो उसके चारों ओर क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा, कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता तो उसके चारों ओर क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जरा समझना, तो बताओ ये क्या जो कंडक्टर है, क्या ये करंट कैरिंग कंडक्टर है या नहीं है। तो बोलो ये भी अपने चारों क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी अपने चारों क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो समझो यहां पर फोर्स कैसे लगता, अब अच्छे से क्लियर होगा। तो इमेजिन करो ये दोनों कंडक्टर, ये दोनों क्या है, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब सोचना जरा सर, पहले एक को इमेजिन करो, मान लो ये फर्स्ट कंडक्टर है, क्या इसमें करंट चल रहा है, बोलो चल रहा है कि नहीं, तब बोलिएगा सर चल रहा है। तो इसमें जब करंट चल रहा है तो ऐसे अगर ऊपर चल रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह करके इसके चारों ओर फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, इसके चारों ओर क्या जनरेट हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये कंडक्टर यहां पर रखा है, सोचो जरा सा, ये जो अपने चारों ओर कर रहा है इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर रखा है कि नहीं। तो सोचो जरा सा, जब इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला कंडक्टर रहेगा तो बोलो क्या इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा, क्यों, क्योंकि इस ये जो है कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। उसी तरह ये जो कंडक्टर है ये भी अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है,
तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये आ गया तो इसलिए इस पर भी फोर्स लगेगा। तो यहां होता यह है कि जो फर्स्ट कंडक्टर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण सेकेंड कंडक्टर पर फोर्स लगता है, और सेकेंड कंडक्टर जो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके कारण फर्स्ट पर फोर्स लगता है। यानी फर्स्ट कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा वो सेकेंड कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा, और जो सेकेंड कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो फर्स्ट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा। क्लियर हो गया? यानी अगर हमको फर्स्ट कंडक्टर पर यानी इस पर अगर फोर्स निकालना है तो हमको मैग्नेटिक फील्ड इसका लेना होगा, और हमको अगर इस पर फोर्स निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड इसका लेना होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया इतना। अब चलो समझते हैं डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखते हैं सबसे पहले डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो बोलो इस कंडक्टर में करंट किधर फ्लो रहा, ऊपर। किधर फ्लो रहा, ऊपर। तो अगर हम डायरेक्शन निकाले मैग्नेटिक फील्ड का क्या लेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो चलो ध्यान से देखो, करंट ऊपर चल रहा था इस तरह करके थंब ऊपर कर ली। अब बताओ हमको मैग्नेटिक फील्ड इधर देखना है इस कंडक्टर की ओर, तो करंट ऊपर चल रहा था ऐसे ही, बोलो मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर। समझना कैसे, ये कंडक्टर है इसमें करंट ऊपर चल रहा था ऐसे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे इधर से आएगा, तो इधर क्या होगा अंदर जाएगा, इधर बाहर आएगा। तो हमको इसके कारण यहां देखना है, तो बोलो किधर, अंदर। अंदर मतलब क्रॉस, अंदर का मतलब क्या हो गया बाबू, क्रॉस। यानी इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस है। ठीक है, क्या है, क्रॉस। और इसका नाम दे दिए क्या, बी वन वेक्टर। क्या नाम दे दिए बाबू, बी वन वेक्टर। क्यों बी वन, क्योंकि फर्स्ट कंडक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। उसी तरह ये जो सेकेंड कंडक्टर है इसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इधर देखेंगे। तो जरा ध्यान से देखना, करंट ऐसे चल रहा है तो इधर की ओर, बोलो ये क्या हुआ, क्रॉस। क्रॉस मतलब अंदर की ओर, तो इधर क्या हो जाएगा, डॉट। डॉट मतलब बाहर की ओर। फिर समझना, करंट इधर चल रहा है तो हम क्या करेंगे, थंब ऐसे करेंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड इधर देखना, इधर क्या हो गया बाहर, और इधर रहता तो अंदर। ठीक है, फिर समझो कैसे, ये कंडक्टर है ऐसे चल रहा, इधर ऐसे करके चल रहा है ऐसे, तो इधर बाहर निकल रहा है इधर अंदर घुस रहा है। बोलो हमको यहां चाहिए, यहां तो बाहर निकल रहा है, तो बाहर को क्या कहते हैं, डॉट। यानी इसके कारण जो यहां मैग्नेटिक फील्ड है ये डॉट है, और इसको नाम दिए क्या, बी टू वैक्टर। यानी सेकेंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड को क्या नाम दे दिए, बी टू वैक्टर। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड निकल के अब निकालना फोर्स। क्या निकालना, फोर्स। यानी इस कंडक्टर पर और इस कंडक्टर पर, दोनों कंडक्टर पर फोर्स का डायरेक्शन किधर है वो चाहिए। तो यहां पर अगर हमको फोर्स निकालना, फोर्स निकालने के लिए अभी तुरंत सिखाए थे क्या, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। किसका, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। याद करो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, और ये क्या बताता, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बताता, करंट। और ये क्या बताता, फोर्स। तो अगर हमको यहां पर फोर्स निकालना है तो यहां पर फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड जिधर उधर सेट करेंगे, फिर इसको करंट के डायरेक्शन में सेट करेंगे, और इसको ये अपने फोर्स बता देगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, तो अगर हमको इस कंडक्टर पर फोर्स निकालना है तो हमको मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड कंडक्टर का लेना होगा। सेकेंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डॉट। डॉट मतलब बाहर की ओर, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला फिंगर है ये बाहर की ओर होना चाहिए। तो ऐसे करेंगे तो ये अंदर हो जाएगा, तो हमको बाहर चाहिए तो ऐसे कर दिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, डॉट। डॉट मतलब बाहर। ऐसे करंट देखो किधर जा रहा, ऊपर, तो इस फिंगर को हमको ऊपर करना होगा। तो करंट ऊपर, तो इसको घुमाए, देखो घूम गया। समझो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो बोलो फोर्स किधर, उधर। देख रहा है, तो यहां पर जो फोर्स हुआ, इस पर जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा। क्लियर है, इस पर जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में। उसको नाम क्या देंगे, इसको जो नाम देंगे बाबू, इसका नाम कुछ होगा ऐसा, एफ वन टू वेक्टर। और इसको पढ़ेंगे ऐसे, फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड कंडक्टर। यानी फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड कंडक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस पर फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो समझो ध्यान से, तो अगर इस पर फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे फिर वही फ्लेमिंग का रूल। बोलो ये क्या है, बोलो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट, और ये है फोर्स। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को सेट करेंगे, फिर करंट को सेट करेंगे, फोर्स अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रॉस है, क्रॉस मतलब क्या, अंदर। ऐसे कर दिए इनवर्ट, अंदर बोल रहा ऐसे कर दिए अंदर। समझ आया, करंट किधर चल रहा, ऊपर। करंट किधर चल रहा, ऊपर, इसको घुमाओ ऊपर, ऐसे कर दिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स किधर, इधर।
यानी इस पर जो फोर्स लग रहा बाबू, इस पर फोर्स लगा किधर, इस डायरेक्शन इधर, ठीक है। और इसका नाम देंगे इस फोर्स को क्या, इस फोर्स का नाम देंगे एफ टू वन वेक्टर, यानी फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है। फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, इसको पढ़ेंगे एफ टू वन, क्लियर। तो ऐसे हम निकाल लिए फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये हमको पता चल गया। अब फोर्स कितना लगेगा उस फोर्स को निकालेंगे, ठीक है। तो देखना बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, कुछ भी दम नहीं रहता है। ये बीच में सीमा खींच दी है, सीमा इसीलिए ताकि हम इधर से उधर नहीं भटके, ठीक है। तो चलो देखते हैं, बहुत ही आसान। तो नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं, यानी फोर्स किस पर, फर्स्ट कंडक्टर पर, लेकिन किसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण, सेकंड के कारण। तो लिखेंगे नाउ मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड कंडक्टर, ठीक है। क्या बोल रहा है फिर समझना, मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड कंडक्टर, यानी मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हैं फर्स्ट कंडक्टर पर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसका ले रहे हैं, सेकेंड कंडक्टर का, क्लियर है। तो इस फोर्स को जो नाम दिए हैं, क्या दिए बोलो बाबू, तो इसका नाम दिए एफ वन टू, क्या नाम दिए एफ वन टू, यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, क्लियर है। तो इसका वैल्यू निकालेंगे, तो जरा ध्यान से समझना, याद करो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू अभी तुरंत सिखाए थे आई एल बी साइन थीटा, क्या सिखाए थे आई एल बी साइन थीटा, आई मतलब करंट था, एल मतलब लेंथ था, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड था, यही था। तो समझना जरा ध्यान से, आई मतलब करंट, तो लिखे आई, लेकिन हमको किस पर निकालना फोर्स, फर्स्ट कंडक्टर पर। तो हम जो करंट लेते हैं वो उसी का लेते हैं जिस पर फोर्स निकालना, तो करंट हमको किसका लेना होगा, फर्स्ट का, क्यों, क्योंकि हमको इसी पर लगने वाला फोर्स चाहिए। तो हमको यहां का करंट कितना है आई वन, चलेंगे आई वन इंटू लेंथ मान लो एल है, इंटू बी, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो साफ साफ लिखा है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड कंडक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे, सेकेंड का, यानी बी टू इंटू क्या, साइन थीटा। अब थीटा का बात करते हैं, थीटा यानी एंगल, तो जरा समझना कितना आसान है। तो सबसे पहले बताओ यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट है, डॉट मतलब इस तरह बाहर की ओर ऐसे, और जो कंडक्टर है वो ऐसे, समझना। तो कंडक्टर ऐसे और ये ऐसे, तो इसको इमेजिन करो जरा ध्यान से, देखो कंडक्टर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो जरा ध्यान से देखो ये इसके बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 हो रहा है कि नहीं, फिर समझना। कंडक्टर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो कितना एंगल बन रहा है, 90। तो यहां पर लेंगे साइन कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब जरा समझो साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। बट बी टू यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर। तो याद करो जब हम लोग बीएसएल पढ़े थे, बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन, तो उसमें हम पढ़ाए थे आपको कि मान लो कोई इंफिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें करंट चल रहा I, और उससे ए डिस्टेंस पर पॉइंट पी होती, इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका होगा कितना वैल्यू, म्यू नॉट आई बाय टू पाई ए, याद करो यही था। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो रखेंगे कितना, म्यू नॉट आई बाय टू पाई ए। तो म्यू नॉट आई, आई मतलब करंट, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड किसका निकालना, सेकेंड कंडक्टर का, तो इसीलिए करंट भी लेंगे सेकेंड का, यानी आई टू बाय टू पाई, और डिस्टेंस यहां पर भी डिस्टेंस कितना है, ए है, इसीलिए यहां पर भी क्या लेंगे, ए, क्लियर है। यानी बी टू बराबर हो गया म्यू नॉट आई टू बाई टू पर ए, देयरफॉर समझना। तो इसको लिख सकते हैं, सॉरी एंड, एक तो हो गया ये एंड, यानी अभी बी टू मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर का निकालो, एंड एंड लॉ। तो जरा ध्यान से देखो साइन 90,
तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, वो 1 होता है, इसीलिए अब चलो रख दो वैल्यू। तो फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर यानी F12 बराबर बोलो I1 इनटू L इनटू B2 है। तो ये जो B2 है, B2 का वैल्यू इतना है बाबू, इसको यहां पुट करें तो रख दो कितना, म्यू नॉट I2 बाय 2π I1 L B2 का वैल्यू ये जो था यहां रख दिए इनटू sin 90 का वैल्यू 1। अब जरा ध्यान से देखना, इसको लिखें F12 इक्वल टू जरा समझो म्यू नॉट इनटू बोलो I1 I2 सजा रहे हैं, पहले लिखे म्यू नॉट फिर I1 I2 लिख लेते हैं, यानी I1 इनटू I2 इनटू L बाय कितना 2π और 1 से कोई मतलब नहीं, 1 से इनटू किया वही रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। क्या हो गया इक्वेशन 1, यानी समझो यानी फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर जो है किसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण, सेकंड के कारण, तो वो निकला म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2π ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम इसी प्रोसेस से हम लोग सेकंड कंडक्टर पर जो है इस पर लगने वाला फोर्स निकाल लेते हैं। तो अगर फोर्स निकालना सेकंड पर तो मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे, फर्स्ट का ठीक है। तो लिखेंगे सिमिलरली फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर, फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, यानी हमको फोर्स निकालना सेकंड कंडक्टर पर, मैग्नेटिक फील्ड किसका लेना, फर्स्ट कंडक्टर का, क्लियर है। तो चलो लिखो, तो जरा समझो, इसको लिखें, इसका नाम दें F21, क्या दें F21, यानी फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर इक्वल टू बोलो। तो यहां पर हमको किस पर निकालना, सेकंड कंडक्टर पर फोर्स निकालना है, हमको करंट किसका लेना होगा, सेकंड कंडक्टर का, यानी I2 इनटू L इनटू मैग्नेटिक फील्ड किसका लेना होगा, फर्स्ट कंडक्टर का ठीक है, इनटू साइन, यहां भी कितना एंगल होगा 90, कैसे समझो ध्यान से देखो। तो बोलो यहां पर जो है करंट कंडक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यानी क्रॉस ऐसे अंदर, तो जरा ध्यान से देखो ऐसे होगा तो यहां पर भी एंगल कितना होगा 90 होगा, इसीलिए यहां पर भी साइन कितना रखे 90, यानी I2 L B1 साइन 90, यानी सेम यही चीज है, जरा ध्यान से देखिए, सिर्फ I1 के जगह I2 हो गया, L के जगह L, B2 के जगह B1 हो गया, बाकी सेम रहा ठीक है। तब और देखो, बट क्या बोले, बट बोलो जैसे यहां B2 का वैल्यू निकाले उसी तरह यहां भी B1 का वैल्यू निकालना होगा, इसका वैल्यू तो वही बोल रहे हैं B1 इक्वल टू, तो यहां पर कितना था म्यू नॉट I2 बाय 2π, तो यहां पर कितना हो जाएगा B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, तो म्यू नॉट I2 के जगह बस I1 कर देना बाय 2π ठीक है। एंड बोलो साइन 90 यहां पर भी इसका वैल्यू कितना होता है, वो 1 ही होगा ना, देयर समझना चाहिए। तो बोलो रख दो वैल्यू F21 इक्वल टू I2 इंटू L इंटू B1 है, बोलो B1 का वैल्यू कितना है, इतना है, तो रखो म्यू नॉट I1 बाय 2π इंटू साइन 90 का वैल्यू कितना, वो 1 रख दिए। तो बोलो F21 अगर सजा के लिखे, पहले म्यू नॉट लिख लेते हैं, फिर I1 लिख लेते हैं, फिर I2 लिख लेते हैं, फिर L लिख लेते हैं बाय कितना 2π और 1 से इंटू करेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इक्वेशन 2। अब जरा ध्यान से देखिएगा इक्वेशन 1 का वैल्यू और इक्वेशन 2 का वैल्यू, जरा गौर से देखिएगा, इक्वेशन 1 यानी F12 का वैल्यू है म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2π
और एफ टू वन का वैल्यू भी उतने है, म्यू नॉट आई वन आई टू एल बाय टू पाई। तो देखो जरा सा एफ वन टू का वैल्यू और एफ टू वन का वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम है, जरा ध्यान से देखिए ये क्या सेम। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू यानी इक्वेशन वन और टू से। तो बोलो इस दोनों इक्वेशन से अगर हम लिखे क्या लिख सकते हैं बोलिए। तो हम लिख सकते हैं एफ वन टू बराबर क्या एफ टू वन, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर इक्वल होगा किसके, फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, यानी एफ वन टू बराबर होगा एफ टू वन के बराबर कितना होगा। तो दोनों में से किसी का वैल्यू लिख दो सेम रहेगा, तो क्या लिखेंगे म्यू नॉट आई वन आई टू एल बाय टू पाई। तो ये जो हमारा आ गया ये क्या आ गया बाबू, तो ये निकल गया मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, किसका मैग्नेटिक फोर्स का। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा सेम फोर्स, लेकिन हाँ डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक इधर होगा तो एक इधर होगा, जस्ट अपोजिट। और सबसे पहले बताओ यहां पर दोनों क्या कर रहा है, दोनों कंडक्टर के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कैसा है, अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, जरा ध्यान से देखो। तो बोलिए क्या अट्रैक्टिव है, क्यों समझो, ये दोनों कंडक्टर इस पर फोर्स इधर लग रहा है इस पर फोर्स इधर लग रहा है, ऐसा नहीं होगा दोनों सटना नहीं चाहेगा। तो याद रखिएगा जब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उस पर लगने वाला फोर्स इक्वल होता है, और ये जो होता है अट्रैक्टिव नेचर का होता है, किस नेचर का अट्रैक्टिव। तो यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके बीच लगने वाला फोर्स का नेचर कैसा होगा। तो याद रखिए इस दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, कैसा होगा अट्रैक्टिव फर्स्ट बार। दूसरा बोलेगा उस दोनों पर फोर्स का जो होगा वैल्यू कितना होगा, देखना होगा म्यू नॉट आई वन आई टू एल बाय टू पाई, क्लियर है ये फोर्स निकल गया। और याद रखिए दोनों कंडक्टर एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाता है जो कि इतना होता है, ठीक है। तो ये था आपका मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, क्लियर। अब जो है ये तो हो गया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मन करे तो ले लिया हमने, अब चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब जो आप लोग इसका सेकेंड केस जानेंगे यानी दूसरा, तो दूसरा में क्या है यहां पर जो पैरेलल लिए हैं पैरेलल की जगह लेंगे एंटी पैरेलल, क्या लेंगे एंटी पैरेलल। तो बोलिए सर एंटी पैरेलल किसको कहते हैं, तो एंटी पैरेलल का मतलब एक में करंट अगर ऊपर चलेगा दूसरे में नीचे चलना चाहिए, समझना, एक ऐसे जा रहा दूसरा ऐसे आ रहा है, जस्ट उल्टा और पैरेलल है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल, क्या बोलते हैं एंटी पैरेलल। तो वही बोल रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू एंटी पैरेलल, दिखाएगा जी लिख तो देंगे एंटी पैरेलल, ठीक है फिर समझना, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू एंटी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी अब की बार जो है ये कैसा है एंटी पैरेलल है। तो ध्यान से देखो एंटी पैरेलल होगा तो कैसा होगा, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, तो क्या है फिर समझते हैं। तो हम लोग ले रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू एंटी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी एंटी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच क्या लेना होगा मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो ध्यान से, तो इमेजिन करो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये एक दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे चल रहा है आई वन ऊपर की ओर, और इसमें जो चल रहा है किधर नीचे की ओर, कितना आई टू, यानी एक में ऊपर चल रहा है दूसरे में नीचे चल रहा है, जिसे कहते हैं एंटी पैरेलल। और दोनों कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना ए है, यानी यहां पर भी डिस्टेंस वही लिए है, और इस कंडक्टर का नाम दिया वन और इस कंडक्टर का टू। अब हमको इस दोनों पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन निकालना, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होगा। तो चलो देखो करंट किधर चल रहा है ऊपर, तो करंट ऊपर तो ऐसे थंब ऊपर कर दिए, अब बोलो किधर
अंदर या बाहर, तब बोलिए सर अंदर, क्यों ऐसे चल रहा था, ऐसे अंदर इधर बाहर, तो इधर इधर अंदर, अंदर यानी क्रॉस। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकला वो निकला क्रॉस, जिसका क्या नाम दिए B1 वेक्टर, क्या नाम दे दिए B1 वेक्टर। अब हमको इसके कारण करंट निकालना है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो बोला यहां करंट किधर चल रहा है, नीचे चल रहा है, किधर चल रहा है नीचे। तो ध्यान से देखो करंट है नीचे, तो ऐसे करेंगे थंब नीचे, और हमको मैग्नेटिक फील्ड इस जगह देखना है। करंट नीचे तो बोलो किधर, बोलो अंदर हुआ, यानी करंट नीचे तो इसका भी अंदर, यानी अंदर जा रहा है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हुआ क्रॉस, यानी क्या B2 वेक्टर, ये B1 वेक्टर, ये B2 वेक्टर। अब जो है इस दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन निकालना। तो फोर्स का डायरेक्शन याद करो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये फोर्स। तो सबसे पहले किसको सेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को, फिर किसको, करंट को, और फोर्स निकल जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, क्रॉस मतलब अंदर, ऐसे कर दिया अंदर। करंट है ऊपर, जिसको घुमाओ ऊपर, घुमा दिए, देखो फोर्स किधर, इधर। फिर समझना मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, इसको कर दिया अंदर। करंट ऊपर चल रहा, ये है करंट, इसको घुमा ऐसे घुमा दिए, तो फोर्स किधर, इधर। यानी इस पर जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा इधर, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर, ठीक है। अब इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे, फिर वही चीज, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, फिर करंट, तब फोर्स। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड क्या है क्रॉस, क्रॉस मतलब अंदर, ऐसे कर दिए। करंट चल रहा नीचे, इसको घुमा घुमा दिए, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स किधर, इधर। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा, यानी ये निकल गया इस पर फोर्स F12 वेक्टर, इस पर फोर्स निकल गया F21 वेक्टर, निकल गया। अब जरा समझो, तो यहां पर देखो दोनों फोर्स का डायरेक्शन किधर है, एक इधर लग रहा, एक इधर लग रहा, तो ऐसा नहीं लग रहा एक इधर तो एक इधर, ऐसा नहीं लग रहा दोनों दूर जाना चाह रहा। तो याद रखिएगा जब यहाँ एंटी पैरेलल डायरेक्शन में करंट चलेगा तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्या करेगा रिपेल, यहाँ अट्रैक्ट नहीं करेगा। याद करो जब पैरेलल चला था तो वो क्या कर रहा था, अट्रैक्ट, और यहां पर क्या करेगा रिपेल करेगा, ठीक है। और अगर हम फोर्स देखें, तो ये जो समझाया था ये तो आपको समझ में आ ही गया था कि दोनों कंडक्टर यहां एक दूसरे को क्या करेगा रिपेल करेगा, ठीक है। और यहां पर जो दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स रहेगा वो सेम रहेगा इसी तरह, जिस तरह पीछे वाला पढ़े थे सेम टू सेम इसी तरह रहेगा, क्लियर है। तो आप आसानी से इसी को सेम टू सेम फिर से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।